Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear visitors of Hazrat-Sri.com, Hazrat-Sri.com ने इस तरह जिस आला शख्सियत का इंटरव्यू के लिए खिताब किया, वो सुबह पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी इदारे के मुताबिक नहीं हुई। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के हवाले से सबसे बड़े नेटवर्क से इनके पाकिस्तान रेलवे की सिक्योरिटी के प्राइज पर इनाम देने वाली सिक्योरिटी फोर्स यानी कि पाकिस्तान रेलवे के आई जी जनाब असगर गर्देजी साहब इस दफ़ा हमारे मेहमान खसूस के इंटरव्यू के लिए, और यह हमारे लिए नई थी एक अहम मकाम है कि इन्होंने हमें टाइम निकाला और हमें इज्जत बख्शी। आई एम से कुछ सवाल पूछते हैं। तो जनाब सबसे पहले आप अपने बारे में और आपकी जाय पैदाइश और तारीख से सिलसिला किस तरह स्टार्ट हुआ है? मैं अपनी तारीख लाहौर में मुकम्मल करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं वापस अपने जिला चला गया मुल्तान से करता हूँ। कुछ अर्सा मैंने तालीमी तदरीसी जो है फ़ायद अंजाम दिए, उसके बाद फिर मैं 1980 में सिविल सर्विस में आया और पुलिस सर्विस में पहली सर्विस चॉइस की मुझे वही पुलिस सर्विस में गई। तो मैं गरीब साहब आपने बताएंगे अमली ज़िंदगी में आपने कब कदम रखा होता है? उस टाइम का याद है अमली ज़िंदगी, जैसे मैंने आपको बताया है कि अपनी एजुकेशन 1975 में मुकम्मल करने के बाद मैं सबसे पहले लेक्चरशिप में मैंने की और 1.5 साल में लेक्चर का मुल्तान में पढ़ाता था। उसी दौरान मैंने अपना लॉ की भी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद कुछ अर्सा मैंने अपना घरेलू इदारा है वो किया। उसके बाद फिर मैं 1980 में पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में ज्वाइन की और आज मैं उसके आखिरी वजह थे मैं मतमत करें। सर क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का शौक आपको किस तरह पहले हुआ? जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपको जिम्मेदारा का एक शौक है। एक्चुअली क्योंकि मैं जिम्मेदारा घराने से मेरा ताल्लुक है, मैंने देहात की ज़िंदगी को बड़ा करीब से देखा है। देहातों में मुश्किल गरीब आदमी की मुश्किल ये है कि उसको सबसे पहले पाकिस्तान का जो कानून है वो थाने से शुरू होता है। अब देखें दो किस्म के कानून हैं, एक है कानून ऑफ राइट्स और एक है क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ थाने से शुरू होता है। उसमें मैंने देखा कि पुलिस की बहुत सारी ज्यादतियाँ आवाम के साथ थी और हर बंदे को मसला थाने का और कचहरी का चक्कर। मैंने ये सोचा कि मैं अगर पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लूँगा और मैं इन लोगों की गरीब लोगों की मदद कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी सर्विस में जितनी भी कोशिश मेरी मेरे लिए हो सकी मैंने गरीब की हमेशा हाथ सी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो पुलिस ऑफिसर जो हकसी किसी करता है उन्हें एक कामयाब पुलिस ऑफिसर और इसकी हमें ज़रूरत है। सर बहुत अच्छे हालात है आपके। सर आई जी पाकिस्तान रेलवे होने के नाते आप मौजूदा हालात में सिक्योरिटी मुताबिक चाहिए कुछ मालूम हमारे विजिटर्स को काम करें? रेलवे ने बहुत अच्छा इदारा था रेलवे किसी ज़माने में और ये इसका अपना एक बजट था, इसका अपना एक बोर्ड था, रेलवे बोर्ड था, बहुत अच्छा इंतजाम चल रहा था। लेकिन चंद वजूहात की बिना पे मुख्तलिफ हुकूमतों ने जब इसको वफाकी बजट का इनका अपना एक बजट था वफाकी बजट का हिस्सा बनाया तो मेरा ख्याल है उस वक्त से इनको एलोकेशन गवर्नमेंट की तरफ से उतनी नहीं मिली और ग्रेजुअली हमारे जैसे बाकी इदारे इन अदालत का शिकार हुए। ये इदारा भी काफ़ी इससे इफेक्ट हुआ है लेकिन कोशिश ये है कि इसको इंशाल्लाह वापस अपनी कारकर्दगी की तरफ लाया जाए और इसकी सिक्योरिटी के ऊपर जितना भी इंसानी तौर पर मुमकिन है हमने लड़कों को ATS की ट्रेनिंग दिलवाई है, उनको बेहतर लड़के सेलेक्ट किए हैं, उनको ट्रेन्स पे हम लोगों के लिए करते हैं, हमने विमेन पुलिस का आगाज़ किया है, विमेन पुलिस को हमने फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अभी हमने रेलवे स्टेशन पर CCTV कैमराज लगा दिए हैं, CCTV कैमरे की मदद से हम क्राइम भी कंट्रोल करते हैं और दीगर अमूर भी जो हैं सिक्योरिटी के लोग उसके लोग हमें कन्वीनियंट करते हैं। जी सर, क्या आप रेलवे पुलिस की सिक्योरिटी से मुतमिन हैं जो आजकल अपने मुतमिन? तो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, मुतमिन तो मैं नहीं हूँ लेकिन हमारा जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं। सर आपके डिपार्टमेंट से थोड़ा सा आगे बात करते हैं, पाकिस्तान के मौजूदा हालात में क्या दरपेश होता है जिसको पाकिस्तान कर रहे थे? पाकिस्तान के हालात तो बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, उसमें किसी एक हुकूमत को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, ना अफसरान को मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। एक्चुअली हमें एक वक्त है इस वक्त हिस्ट्री में कि हमें यूनाइटेड हो इस सिचुएशन को फेस करना है। अगर हम में यूनिटी रहेगी और हम में हम आहंगी रहेगी
तो हम किसी भी चैलेंज का मुकाबला पहले भी करते रहे आप भी कर सकते। सर मेरा एक और सवाल है आपसे, चेयरमैन ब्रदर पुलिस ने अपने एग्जाम में कहा था कि हमारे लोग पुलिस नहीं चाहिए, तो इसके बारे में आपके क्या? नहीं, वो मेरा ख्याल में वो उन्होंने वो कभी ऐसे नहीं कहा और ये उनका ख्याल नहीं था। उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि सिक्योरिटी के हवाले से हमें कुछ और फोर्स चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि